राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी प्रवीण सौगंध अपने यूट्यूब चैनल पर तारा सारे का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप प्रतिशत का तीसरा पाठ करेंगे। इससे पहले आप जो प्रतिशत के हैं दो पाठ कर चुके हैं। अगर किसी भाई ने अभी तक वे पाठ नहीं देखे तो सबसे पहले उनका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सबसे पहले उन्हें देखियो। क्यों जो प्रतिशत है वो मैंने जो जीरो लेवल था जो करके जड़ता स्टार्ट हो रहा है और तक करा रखा है और तभी जगह अगर तभी सही समझ में आऊगा। और प्रतिशत की जितनी भी टाइप बनेगी ए टू जेड करवाऊंगा, ठीक है। इब तक अपने चार टाइपों का बारे में पढ़ा है और जो बिल्कुल बेसिक सी और छोटी छोटी थी जड़ता रियाना भी पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अगर जो इसमें नेक्स्ट टाइप है वह करेंगे। अगर कोई नया साथी चैनल तक जुड़िया है तो ने पहली बार वीडियो देखने लग रहा है तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है। तो आज करेंगे आप टाइप नंबर पांच, टाइप नंबर पांचवी करेंगे आप, ठीक है। इस वीडियो में आप पांचवी और छठी टाइप करेंगे। तो पांचवी और छठी टाइप में किस तरह क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन का हुआ 20 50 से कितने प्रतिशत है कम है, जब छोटी ही टाइप है बेसिक, और इस तरह क्वेश्चन बना है बड़का ना कहीं तो ये बेसिक भी जानती होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 20 50 से कितने प्रतिशत कम है, जब इस तरह क्वेश्चन देखने में मिल जाए तो सबसे पहले अपने क्या करना है, आड़ा कम पूछ रहा है क्या या अधिक पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बेसिक तरीका पूछा जो 20 है वो 50 तक कितना कम है, तो जो पांचवी वाला बालक बता देगा अगर जी 30 कम है, कितना कम है 30 कम है, जितना भी कम या अधिक है वो लेना है, ठीक है। उसके बाद दो संख्या दे पाऊंगी, कितनी संख्या मिलेंगी दो संख्या मिलेंगी, तो दो संख्या में जिस संख्या वाला सही लग रहा है वह संख्या हमेशा बटे में करेंगे। तो इब देखो किसका गला सही लग रहा है, 50 का गला सही लग रहा है, 20 का गला कोई को नहीं, ठीक है। तो 50 का गला सही लग रहा है तो बटे में 50 करेंगे और गुणा में कराएंगे 100, गुणा में करेंगे 100 करेंगे, जब इसने काटेंगे आंसर आ जाएगा। तो जब काटेंगे 50 से 50 दूनी 100 और 30 की और 2 की गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। इस तरह अपन क्वेश्चन करना है, करने का तरीका ये रहूगा सबसे पहले जो कम या ज्यादा हो लिखा ऊपर है, अगर कम ज्यादा भी नहीं समझ मानता तो इन दोनों का हमेशा अंतर लेना है, क्या लेना है अंतर लेना है। तो इनका अंतर आ गया 30, बटे में जिसके लिए सही लग रहा है वो और गुणा में 100 कर दियो आंसर आ जाए जमा चटक दे ही, ठीक है। इस तरह अपन क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और दो, अगर क्वेश्चन लेवा क्वेश्चन में क्या हुआ बस जो 50 है 50 80 से कितने प्रतिशत है? कम है, 50 80 से कितने प्रतिशत कम है, अगर इस टाइम क्वेश्चन है तो 50 80 तक कितना कम है 30, जिसने यह बात नहीं देखनी आवा है तो इनका अंतर ले लो 30 आ हुआ, ठीक है। बटे में किसका गल से है छोटा वाला बता दिया उसी गल से है और गुणा में 100, जब इसने 100 करेंगे 20 चौका 80 20 पंजे 100, जब 2 पे काटेंगे 2 दूनी 4 इसने 2 पे काटेंगे 15 15 की और 5 की गुणा करेंगे 75 आ गई और बट्टे में 2 करांगे तो कितना जगह यू 37.5 आ जाएगा, कितना जगह 37.5% कितना जगह 37.5% आ जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और लेवांगे इस तरह का, भाई क्वेश्चन किस तरह बनेगा, अगर क्वेश्चन में कहो है 200 150 से कितने प्रतिशत है अधिक है, चाहे अधिक पूछ रहे हो चाहे कम पूछ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये पापा देखा बट जो 150 है 200 तो कितना अधिक है 50 अधिक है, किसका गलत सही है 150 का गलत सही है और गुणा में क्या करना है 100, जब इसने सोल्व कराएंगे आंसर आ जाएगा 50 से 50 50 150 है, ये आएगा 100/3 और 100/3 ने क्या लिखांगे सही आम लिखांगे ना 33.1/3% है, कितना आ जाएगा 33.1/3% है, चाहे कैश का अपन है 33.33% है, जो भी ऑप्शन में दे रखा है अपना आंसर हो जाएगा। या थी अपनी टाइप नंबर 5 जो जीरो लेवल की है बेसिक की, ठीक है। इस तरह अपन क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले इसका है, बाकी इसके नोट्स भी बना लीजिए साथ में, ठीक है। आपने यार ठीक है थी मैं टाइप नंबर 5 थी, उसके बाद टाइप नंबर 6 करा गए भाई किस तरह क्वेश्चन बनाए टाइप नंबर 6 में, टाइप नंबर 6 है इसकी और टाइप नंबर 6 में किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन में क्या हुआ ए का
90% बराबर है बी का 80%। तो ए का 40% है, कितना होगा? यू निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या हुआ, भाई ए का 90% बराबर है बी का 80%। तो क्वेश्चन में क्या, भाई ए का 40% कितना हुआ? जिस बालक ने मेरी पहली और दूसरी टाइप करी है उसने मैंने एक बात बताई थी, बस सिंपलीफिकेशन में एक बोर्ड मास का फॉर्मूला है BODMAS, ठीक है। तो उसमें ओ आया करता, ओ का मतलब होगा ऑफ, हिंदी बोले करते का, और का मतलब होगा करता गुणा। तो मैंने एक बात बताई थी, बस जब भी दो संख्याओं के बीच में का मिला है तो उसका मतलब हमेशा गुणा होगा। तो वही बात आना है, बस दो संख्या ही है मैंने कोई भी, इनके बीच में का है तो गुणा मतलब जगह, यानी ए गुणा में 90% प्रतिशत टह दिया तो बट्टे में सो कर बराबर का निशान है, बी गुणा में 80% है, प्रतिशत का नागा बट्टे में सो, इस तरह आएगा। जब इन्हें सोल्व करांगे, चाहे तो ऐडे सोल्व कर लियो, चाहे आप करांगे, भाई ए आन तो एक ए और बी ने तो एक ना कर लिया, और जो संख्या उन्हें एक ना कर लेंगे, जो कर ऐडे यू बी है ऐडा गुणा में है इस साइड जाएगा बट्टे में जगह, और जो चीज ऐडा गुणा में है नूने जाएगा पलट जाएगी। तो इसने क्या लिखेंगे, ए बट्टे में बी बराबर हो जाएगा 80/100। तो पहले था उन्होंने, जब इस तरह ले जाएंगे यू हो जाएगा 100/90, या पलट जाएगी ऊपर तो 100 भी जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा। जब इसने काटा दो जोड़ते दो जोड़ कटगी, एक जोड़ते एक जोड़ कटगी, तो ऐड तक कितना आया अपना 8/9, कितना आया है 8/9। यानी कि जो ए के बराबर में है वह ए की संख्या है, जो बी के बराबर में है वह बी की संख्या है, या मान का इसका, हाँ भाई ए के बराबर में ए का मान, बी के बराबर में बी का मान है। ए का मान कितना रहा है 8 रहा है, बी का मान कितना रहा है 9। तो क्वेश्चन में क्या है, ए का 40% कितना होगा? तो ए का ए कितना है 8, 8 का 40% निकालना पड़े प्रतिशत का नगा बटे में 100, ठीक है। इस तरह करेंगे, एक जोड़ तो एक जोड़ो, 8 की और 4 की गुणा करेंगे 32 आ गया, बटे में 10 है तो इसने कितना लिखेंगे 3.2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3.2 लिखेंगे। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा तरीका रहेगा करने का, अगर एक बार में नहीं समझ माता भाई कितनी बड़ी टाइप होनी है, भाई एक बार में नहीं समझ माए आराम से आ जाएगा, ठीक है। बाई चांस एक आधा नहीं समझ मानती तो वीडियो ने रिवाइज करके देख लियो, बस 2-3 मिनट पाछा करके देख लियो ताकि बढ़िया तरीका से सही समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद देखो जो अपना अगला क्वेश्चन है इसी तरह का लेंगे। क्वेश्चन में क्या हुआ, ए का 60% बराबर है बी का 140%। तो बी का 120% कितना होगा? यू निकालना, सेम क्वेश्चन जमानू करूँ, कुछ भी नहीं करना, जमानू करूँ करना बना है, ठीक है। तो ए गुणा में 60% प्रतिशत का नागा बट्टे में 100 बराबर हो जाएगा बी गुणा में 140, यू एड 140% है, ठीक है। 140% करना का बट्टे में 100, ये जो है नहीं प्रतिशत को ऊपर हटाओगे प्रतिशत को ऊपर लगाना है, ये हर एक बात मैंने बताया रखी है पहला पार्ट में, जब आप बेसिक पार्ट में, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसने अगर दिक्कत आवा है तो उसने देख लिया जाएगा, ठीक है। तो जब इसने सोल्व करांगे तो ए और बी नीचे ले आओगे, ए बट्टे में बी, या संख्या उन्होंने जाएगा पलट जाएगी, अड़ा ने 140/100 तो उधाई पहला, ये उन्होंने जाएगा 100/60 हो जाएगा, 100/60 हो जाएगा इस तरह। तो जब काटेंगे 100 तो 100 कट गया, 20 पर काटेंगे 20 60, 20 पर काटेंगे 20 140 है, तो ये आवा 7/3। तो जो ए का बराबर में वो ए का मान है, जो बी का बराबर में वो बी का मान है। तो क्वेश्चन में क्या है, बी का 120% कितना होगा? तो बी का 120% है, यानी 3 का 120% निकालना है। तो प्रतिशत का नागा बट्टे में 100 करेंगे, एक जोर तो एक जोर करेंगे, 12 36 36/10, और 36/10 कितना हुआ है 3.6 हुआ है, कितना जगह 3.6 हो जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने थे, देखो बेसिक सी टाइप्स है, इस तरह क्वेश्चन दो बार करने भी आते होंगे, ठीक है। पांचवीं छठी की किताब में भी ये क्वेश्चन आने लगे, शर्म कर लो बच्चो, ये सिखाने लग रहे हैं, हाँ। और यही पेपर पूछे जाएंगे, इन्हें तब मरखा हो रहा। उसके बाद देखो जो अपनी कमी थी छठी टाइप थी, छोटी छोटी टाइप से बेदो ये चैप्टर शुरू हो गया है। उसके बाद है जो सातवीं टाइप है, सातवीं टाइप में किस तरह क्वेश्चन बनेंगे,
क्वेश्चन देगा वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी जो 70 से 40% अधिक हो, वह संख्या क्या होगी जो 70 से 40% अधिक हो। इस तरह क्वेश्चन भी बेसिक में आवे हैं और पूछे जाए कई बार बालक मार्ग है जिसमें, तो इसमें करने का तरीका क्या होगा, अगर आपने संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में संख्या दे रखी वह लिखांगे, 70 दे रखे 70 लिखांगे, 60 दे रखे 60 लिखांगे, 50 दे रखे 50 लिखांगे, 10 दे रखे 10 लिखांगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐड ही जाना अपने बड़ा आइडा नू देखना है, चाहे तो अधिक लग गया पाऊगा चाहे कम लग गया पाऊगा, अगर अधिक लग रहा है तो इसको आगे प्लस का निशान लेना, अगर कम लग रहा है तो इसको आगे माइनस का निशान लेना, एक क्वेश्चन में अधिक लग रहा है तो क्या करेंगे प्लस का निशान ले लिया। उसके बाद क्या करना है, जो ये संख्या दे रखी 70 का 40% काटेंगे, तो 70 का 40% काट दिया और बटे में करेंगे 100% का नागा, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो 70 तो पहले था अपना। उसके बाद 7 और 4 28, तो 70 और 28 कितने जगह 98, तो वह संख्या कितनी आ जाएगी 98 आ जाएगी, बस जो 98 है वह 70 तय 40% अधिक है, तो यू अपना आंसर आ जाएगा। कही तो ऊपर हो गई बात भी जमा बेसिक है, पर क्या करना संख्या निकालनी है, जो क्वेश्चन में संख्या देखी वाली खाएंगे निशान का बात आएगी, अधिक है तो प्लस का, कम है तो माइनस का, ठीक है। उसके बाद है इनका प्रतिशत निकालेंगे, 70 का 40% काटेंगे 28 आ गया, तो प्लस का निशान था धनवाना जोड़ांगे, आंसर आ जाएगा, इस तरह अपन करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, एक क्वेश्चन में तो थोड़ा समझ में आता रहा है, क्वेश्चन देगा वह संख्या क्या होगी जो 60 से 30% कम हो, 60 से 30% कम हो, इस तरह निकलना है। तो सब मैं पहले क्या करना, संख्या निकालनी अपने, और संख्या निकालने खातर क्या करना पड़ेगा, जो दे रखे हो तो लिखना ही लेना, उसके बाद प्लस या माइनस है, इनका कम लग रहा है तो माइनस का निशान आ जाएगा, और 60 का 30% काट लियो, 60 का 30% काट डाले, जब इसने 100 का 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये हो जाएगा 60 माइनस में 18, और 60 माइनस में 18 कितना जगह 42 आगा, कितना जगह 42 आगा, तो इस कम से कितना जगह वह संख्या 42 है जो 60 तय 30% कम है, कितनी कम है 60 तय 30% कम है। यह अपनी सातवीं टाइप थी, कैमी टाइप थी या सातवीं टाइप थी, जमा बेसिक था जमा जीरो लेवल का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो जो टाइप नंबर 8वीं आ गई अपनी, भाई टाइप नंबर 8वीं में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, टाइप नंबर 8वीं देखो भाई किस तरह के क्वेश्चन आओगे इसमें। क्वेश्चन देगा वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी जिसका जिसका 50% उसी संख्या के 40% से 150 अधिक हो, संख्या निकालनी अपने, ठीक है। वह संख्या बतानी है जिसका 50% उसी संख्या के 40% से के हो अधिक हो, तो इसमें कुछ नहीं करना, जमा सिंपल क्वेश्चन है, अगर इसमें बेसिक तक रहूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो पहले एक बार इसका बेसिक देख ही लो। वह मैंने संख्या एक्स मैं ली, पहला वह संख्या के मैं ली उन्हें, तो चलाऊ बेटा एक मिनट कौन बैठ दे, चलो आऊं मैं थोड़ा जी, ठीक है आऊं दो मिनट में, कर दे बंद, कर दे बंद, क्वाड बंद कर दे, हो कर दे बंद, हो तो अगर अपने संख्या मान निकालनी है तो संख्या अपन एक्स मान ली, तो क्वेश्चन में क्या है जिसका 50% उसी संख्या के 40% से कितना दिख है 150 दिख है, तो अगर आप एक्स का 50% काटा और एक्स के उसमें 40% में ना माइनस कर दिया
तो कितना हुआ 150 के बराबर आना चाहिए। बट कोई संख्या है उसका 50% है, उसी संख्या के 40% तक कितना दिख है 150 दिख है, तो इस मैथ जब यह मैनेज करेंगे तो 150 के बराबर होगा। इसका बेसिक है, शॉर्ट ट्रिक में तो एक लाइन में आंसर होगा इसका। तो जब इसने सोल्व करेंगे तो आइडा क्या करेंगे, एक्स गुणा में ये जो 50/100 और 50/100 ने लिखेंगे 1/2, ठीक है, माइनस है, इसने लिखेंगे एक्स गुणा में 40/100 करेंगे और जब इसने काटेंगे ये होगा 2/5, कितना हुआ 2/5 बराबर है 150 का। जब इसने सोल्व करेंगे ऐड होगा एक्स बटे 2, माइनस का निशान है, ऐड होगा 2x माइनस का 5 और बराबर है 150 का। जब इसने सोल्व करेंगे नहीं, इनका एलसीएम लेंगे, 2 का और 5 का जो एलसीएम है वो 10 होगा, कितना हुआ 10 होगा। इब इनके हर पार गुणा करेंगे तो ऐड होगा 5x माइनस का 4x बराबर आ जाएगा 150 का, ठीक है। तो इसने जब ये निचली संख्या है नूना जगह गुणा में हो जाएगी तो गुणा में जाओ 10, उसके बराबर क्या करना है 5x माइनस का 4x में तो 1 करेंगे तो 1x बचेगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ये उसका बेसिक है, लेकिन इतनी खुबैत करनी जरूरत को नहीं, बा अपने बेसिक में इतना टाइम लाना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक में इसका एक लाइन में आंसर आ जाएगा, भाई किस तरह करेंगे वो देखो एक बारी। संख्या शुरू में 50% है, उसके बाद 40% है, तुम बताओ 50% एड 40% तक कितना दिख है, तो छोटा वाला भी बता देगा बस 10% अधिक है, कितना अधिक है प्रतिशत में देखा तो 10% अधिक है, लेकिन संख्या में कितना अधिक है 150, तो इसका मतलब ये है 10% की वैल्यू 150 है, कितनी है 150। तो ये आपने क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, और जो प्रतिशत में संख्या हुआ है वह कितनी होगी, चुप एक मिनट मुझे, प्रतिशत में जो संख्या होगी वह हमेशा 100% होगी, कितनी होगी 100%। अगर 10% की वैल्यू 150 दे रखी है तो मैंने 100% की वैल्यू निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली है 100% की वैल्यू निकाली है। इस ना आप एक्स मान लेंगे या जिसकी मेरी बड्डी तैयारी है वो क्या करेगा, बस 10 न कह तक गुणा करूँ 150 जाए तो वह 15 तक गुणा करनी पड़ेगी, तो जितने गुणा ऐडा करी है उतने गुणा 100 वाला कर देगा, तो 100 की और 15 गुणा करेंगे 1500 आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक करना चाहता है उसमें क्या करेंगे एड एक्स मान लेंगे इसने, और जब इनकी आर पार गुणा करेंगे तो एक्स गुणा में 10 बराबर होगा 150 गुणा में 100, तो ये 10 साइड गुणा में है, इस साइड का बट्टे में जाऊंगा, 1 0 1 0 कटेगी और ये x बराबर कितना जगह 150 आ जाएगा, कितना जगह 150 आ जाएगा। इस तरीके अपन क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन हो देख लो इसका जो बढ़िया तरीका समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, वह संख्या क्या होगी जिसका 35% उसी संख्या के 50% से 50% से 225 या 250 कम हो, कितना हो 250 की बजाय अपन 225 ले लिया, सही आंसर आ जाएगा 225 कम हो, आवाज ना करे 225 कम हो, ठीक है, इस तरह अपन करना है। तो जब इसने सोल्व करेंगे आठ तो 35% है और एक है 50% है, तो 35% 50 से कितना कम है 15% कम है, कितना कम है 15%, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम है 225 कम है, तो 15% की वैल्यू 225 है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे 100% की, या मानेंगे x, जब इनकी आर पार गुणा करेंगे x गुणा में 15 बराबर हो जाएगा 225 गुणा में 100, यू 15 गुणा में है, इस साइड इसका बट्टे में आ जाएगा, और जब इसमें काटेंगे 15 कटेगा और 15 की और 100 की गुणा करेंगे, इसका आंसर भी 1500 आ जाएगा, इसका भी आंसर कितना हुआ 1500 होगा। तो इस वीडियो में आप इतना ही करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगा है तो इस चैनल लाइक करियो, शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है, मिलेंगे कल ना।